ये क्या रोमांस चल रहा है? पागल हो क्या? पढ़ाई लिखाई करनी कि नहीं तुमको? चलो आज सब तुम लोगों का टेस्ट है, रोल नंबर के हिसाब से सब लोग बैठ जाओ। अरे अपना तो यही है। कामयाबी बेटा, इधर आओ। और ये टेस्ट पेपर सब में बांट दो। ठीक है सर। हाँ नॉटी हो रहा है, नॉटी। वे साले काका चीट छुपा के रखे। चुप चुप चुप। क्यों बे, चीटिंग करता है? नहीं नहीं सर, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। सर कर रहा था, मैंने भी देखा। चल इधर आ। तेरा तो मुंह ही तोड़ दूंगा। हर्ष तू भी आ और इसको चेक कर। सर कॉपी लाया है, वो भी दो दो। और चेक कर इसको, और चेक कर। सर चेक नहीं करने दे रहा है। करने दे रहा हूं, करने दे रहा हूं। अबे इंग्लिश के पेपर में तू मैथ्स की चिट लाया? अब वो सर गलती से ले आया था, अब वो कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिखू क्यों। बाहर जा और हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। ये ले तू लिख लेना इसमें से। जा बेटा तू जा। पप्पे तू लिख क्यों नहीं रहा है? अरे सर किसे लिखू, जिसके भरोसे आता तो मैं एक्सी चिट ले आया। अबे मार क्यों रहा है तेरी तो। साले सबके सब नालायक हो तुम। अभी तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करके आता हूँ। कालू सर तुम क्यों बाहर खड़ी हो? वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह मम्मी के साथ में काम करवाना पड़ता है, इसलिए मैं आते आते लेट हो जाती हूँ। क्या काम? वो मम्मी टिफिन का काम करते हैं ना, और वो मम्मी के पैर नहीं है ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और सुबह स्कूल भी 7 बजे का है, तो सारे टिफिन भी मुझे 7 बजे ही पहुंचाने पड़ते हैं, इसलिए मैं आते आते लेट हो जाती हूँ। अरे अब क्या करेंगे? तुम दोनों इतनी लेट क्यों आए? अरे सर वो जो इसकी मम्मी थी ना, वो मेरे हाथ पे गिर गई और मेरा हाथ टूट गया, और इसकी मम्मी का पैर, तो हॉस्पिटल ले जाने में लेट हो गए सर। तो देखो इससे क्या है, अब माँ तो माँ होती है ना सर। माँ हमारी माँ, सबकी माँ। जाओ बैठो सीट पे नालायक। चल चल पागल मत बना, हम भी स्कूल में ऐसी बहाने मारते थे और लेट आते थे। पागल लड़की। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तुम सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, एजुकेशन कंपनी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया है। उस एग्जाम में जो भी पास होगा उसको कंपनी की तरफ से 6 लाख रुपए मिलेंगे। अबे पर ये एग्जाम अपन थोड़ी ना दे सकते हैं, अपन तो बैक बेंचर, अपन से एग्जाम नहीं देवाते। यहाँ अपन अपनी क्लास में एग्जाम में पास नहीं हो पाते, तो उसकी एग्जाम में क्या पास होंगे? स्कूल में पास होने के तो वादे पड़े रहते। तो 6 लाख-7 लाख का क्या करेंगे अपन? अबे 6 लाख में जीरो कितने होते हैं? 5-6 होते होंगे यार। ज्यादा होते होंगे 6 लाख। छह लाख तो मेरे हुए। पैसे भी इस क्लास में तो सब ढोर गंवा रहे, 6 लाख पे तो सिर्फ मेरा हक है। 6 लाख। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ये है उसके फॉर्म। कामिया ये सारे फॉर्म सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। छोड़ना अपन को क्या करना, अपन को कौन से मिलने वाले हैं? ओ बेल बज गई, चलो चलो। अबे सुन जल्दी पीछे आ। अबे मेरा प्यार। अबे तेरी तो भाई, तू कुछ भी करके वो कामयाबी से एग्जाम का फॉर्म दिला देना, मुझे वो एग्जाम देनी है। तू कब से पढ़ने लग गया? तू जल्दी से दिला देना यार, जाके जल्दी से फॉर्म लेके आ उसके पास से। जा।
तो बच्चों, आप लोगों के एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो रिजल्ट का प्राइज मनी देने के लिए मैं बुलाता हूँ सर को। वेलकम सर। तो सर अनाउंस करेंगे कौन है इस क्लास का टॉपर। तालिया। नहीं सर, सर स्मिथ को कैसे प्राइज मिल सकता है, वो इस प्राइज का असली हकदार नहीं है क्योंकि उसने पूरी एग्जाम में चीटिंग की है और मुझे ये बात उसी के बेस्ट फ्रेंड प्रिंस ने बताई है। प्रिंस, मैं ना तुमसे थोड़े दिन बात नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ना एग्जाम आ रही है और मुझे उसमें टॉप करना है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। कितना भी पढ़ लो, पास तो मेरा भाई स्मिथ ही होगा। क्या? क्योंकि उसने चीटे बनाई। मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। मतलब? कुछ नहीं। स्मिथ, मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तुम चीटिंग करके पास हुए हो, ये प्राइस तुम्हें अब नहीं मिलेगा। हाँ सर, ये सच बोल रही है, लेकिन आप ये भी सुन लो कि मैंने ये चीटिंग क्यों की थी। उस दिन ना सर, मैं एक्टिवा से जा रहा था तो मुझे वही बच्ची दिखी जो कि मुझे क्लास के बाहर मिली थी, जो मुझे बोल रही थी कि उसकी मम्मी के पैर नहीं है और उसे सब काम करना पड़ता है इसलिए वो लेट आ जाती है। मुझे लगा वो सब तो झूठ है, लेकिन फिर मैंने उसका पीछा करा और फिर मैंने देखा कि वो कहाँ जा रही है। फिर मैं उसके पीछे करते करते मैं उसी जगह पर चला गया जहाँ पर वो रोज़ टिफ़िन देने जाती है। वो टिफ़िन जहाँ दे रही थी सर, मैंने वो सब कुछ चीज़ें देखी उसकी कि वो सच बोल रही थी। सर उसके बाद मुझे रिग्रेट फील हुआ, तो मैंने सोचा कि ये जो एग्ज़ाम आ रही है मैं इसी में पास होकर उसकी हेल्प कर दूँ, इसलिए सर मैंने ये सब चीटिंग वीटिंग की ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। प्रिंस, जा जल्दी आयुषी को लेके आ। स्मिथ जो भी बोल रहा है क्या वो सच है? हाँ सर, वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बस इसीलिए मैंने ये सब किया था, और ये प्राइज भी मुझे नहीं चाहिए, ये प्राइज भी आप इसी बच्ची को दे दो, क्योंकि हम तो बैक बेंचर है ना सर, हम तो पढ़ने वालों में से है नहीं, तो कम से कम इसकी लाइफ बन जाएगी सर। ठीक है सर, तो ये प्राइज मनी हम इसी बच्ची को दे देते हैं। सॉरी। सर आपको क्या लगता है, ये स्मिथ सच बोल रहा है? मैंने स्मिथ की कितनी बेइज्जती करी, मैंने उसको कितना मारा, पर आज तक मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा, और आज उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा है। मुझे तो नहीं लगता सर कि वो सच बोल रहा है।